कोरोना को लेकर गाजियाबाद से अच्छी खबर आई है। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने 28 दिनों का होम क्वारंटीन पूरा करने वाले लोगों के घर के बाहर ग्रीन कलर का थैंक्स फॉर कोऑपरेशन का स्टिकर लगाने का काम शुरू किया है। साथ ही अधिकारी क्वारंटीन में रह चुके लोगों से बातचीत कर उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनका फीडबैक भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद में 5 फरवरी से 21 मार्च के बीच 1961 लोग विदेश से लौटे थे जिन्हें होम क्वारंटीन किया गया था, और अभी तक 469 लोगों ने होम क्वारंटीन की मियाद को पूरा कर लिया है, जबकि 1430 लोगों को अभी भी होम क्वारंटीन में रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं आया हूं, जो आपने सहयोग दिया है अपने जनपद को, उसके लिए धन्यवाद करने आया हूं। कैसा लगा आपको 23 तारीख को आए, बीमार पड़े, अस्पताल में रहे, हम लोगों का व्यवहार और सब जो आपकी केयर की गई उसके बारे में 2 शब्द अपनी तरफ? धन्यवाद। मुझे आप लोग भगवान होता है डॉक्टर, प्रशासन का काफी अच्छा मतलब पूर्ण सहयोग था प्रशासन का, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिलाधिकारी महोदय जी का जिन्होंने समय रहते चेकअप करवाया और इस बीमारी से ना होने का मुझे समय पता चल गया। हम लोग एक लाल रंग का स्टिकर लगा रहे हैं जिसमें ये संदेश है कि ये घर क्वारंटाइन में है और एक्सेस प्रोहिबिटेड है, परंतु इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने अपने होम क्वारंटाइन की अवधि पूर्ण कर ली है उन घर के सामने हम लोग एक ग्रीन रंग का स्टिकर लगा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि होम क्वारंटाइन कंप्लीटेड, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन।